सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त टाइफन एंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आपने बेसिकली ये जो क्लिप थी वो तो आपने देख ही ली होगी कि ड्रैगन पल्स का डैमेज कितना अच्छा पड़ा है। एंड जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता होगा कि कैसे इसको चलाया जाता है ड्रैगन पल्स को। तो वो डायरेक्ट जाके ड्रैगन पल्स क्लिक करते हैं एंड उसका डैमेज इतना हद तक नहीं पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ड्रैगन पल्स का डैमेज कैसे काफ़ी हद तक अच्छा दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए बेसिकली दो टिप हैं, एक पाँच और छः वाले ड्यूरल ड्रोन के लिए, लेवल वाले के लिए एंड बाद वाले के लिए। तो बेसिकली हम देखिए, जब भी ड्रैगन पल्स मारते हैं, डायरेक्ट जाके मारते हैं, तो उसका ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। बट इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप बेसिक अटैक मारते जाइए। आप देख सकते हैं आप इस पर कैसे रिंग सा बना है। जब इसके एच पी हाफ से कम हो जाए तब आप डायरेक्ट मार दीजिए ड्रैगन पल्स। तो बेसिकली ये था नंबर वन टिप। एंड यहाँ है टिप नंबर टू। तो अगर आपके पास स्टेल्थ्रोक आ जाता है तो आप एक स्टेल्थ्रोक मार के उसको थोड़ा बहुत स्टन भी दे सकते हैं एंड उसके बाद भी ऐसे मारने में और भी मदद मिलेगी आपको। इससे आप और भी जल्दी ड्रैगन पल्स से अच्छा खासा मार पाएंगे। तो शायद प्रैक्टिस एरिया से आपने थोड़ा बहुत तो कुछ समझा ही होगा। चलिए अभी हम इसे रैंक मैच में भी समझ लेते हैं कैसे दिखा जाता है। देखिए, मैंने इसे दो तीन ये मारे बेसिक अटैक्स एंड उसके बाद में ड्रैगन पल्स ख़त्म हो गया। अगर मैं उसे डायरेक्ट जाकर ड्रैगन पल्स मारता तो उसे बहुत कम पड़ता है। एब्सोल के लिए भी आप देख सकते हैं, इसके चारों तरफ रिंग बना, मैंने फिर मारा, ईजी मर गया ये। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वरना आप अगर स्टार्टिंग में ऐसे मारोगे, देखिए ये ड्रैगन पल्स मैंने उसे बिना रिंग के मारा तो उसका डैमेज नहीं पड़ा उसको एंड यहाँ पे मैं मर गया। तो अगर उसे भी मैं बेसिक अटैक मार के अगर ड्रैगन पल्स मारता तो मैं शायद उसे इजी मार देता। तो बस यही टिप्स एंड ट्रिक्स है इसको चलाने के लिए। तो एंड बहुत आसान है चलाना, अगर आप एक बार चलाना सीख गए तो। बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो देन लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नर्फ हो चुका है, तो नर्फ के बाद भी इफेक्ट उतना ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नर्फ से कोई मतलब नहीं रहता है, बस थोड़ा बहुत ही कुछ फ़र्क पड़ता है, वरना तो वही है असर, तो अभी भी वही है ड्रैगन पल्स का अच्छा खासा। तो फिर बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।